हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, हमने आपको जो साप्ताहिक परीक्षा थी उसके जो दूसरी हमारी साप्ताहिक परीक्षा थी उसमें आपके सामने कुछ प्रश्न रखे थे। आज उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों की ये इच्छा थी कि सर इसके सॉल्यूशन हमें मिल जाएं। तो सभी साप्ताहिक परीक्षाओं के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और आज हम कर रहे हैं जो हमारे पास वीकली असाइनमेंट है या साप्ताहिक परीक्षा जो हमारी थी दूसरे नंबर की, उसके प्रश्नों को हल कराने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने इन्हें हल कर लिया होगा। हमारे आंसर से आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे, और यदि कहीं पर कोई त्रुटि होगी, कहीं पर कोई आपको लग रहा होगा कि सुधार की आवश्यकता है, वहाँ सुधार कर लेंगे। और निस्संदेह आप प्रोग्रेसिव होंगे, यानी कि आप बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो यह था। क्वेश्चन नंबर वन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। सेकंड, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तीसरा, किसी बिंदु आवेश पर यदि विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती है तो बिंदु आवेश की प्रकृति क्या होगी। चौथा प्रश्न दो भागों में था, जो कि इस प्रकार से है। पांचवा प्रश्न यह था कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटोन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। अगला, चार बिंदु आवेश ऐसे रखे हुए हैं, किसी वर्ग के शीर्षों पर रखें, केंद्र पर आपको बताना था कितना बल लगेगा। अगला, दो बिंदु आवेश क्यू ए, इस तरीके से क्यू ए क्यू बी हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने रहने वाली रेखा के किसी मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, और उसी बिंदु पर यदि कोई एक आवेश रख दें तो उस पर लगने वाला बल निकालना है। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के कितने प्रश्न थे, आठ प्रश्न थे प्यारे बच्चों। तो आज इनको क्या कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यदि सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आप जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तक हमने जो फार्मूला पढ़ा था ई इज इक्वल टू था एफ अपॉन क्यू, यही इसी को हम कहते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथ ही हमने वहां बताया था जो दिशा एफ की होती है वही दिशा ई की होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब हमें इसका मात्रक निकालना है, तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। तो देखिए यहां पर वोल्ट प्रति मीटर आ रहा है। इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। आगे आप एक और प्रश्न पढ़ेंगे, या एक और हम कह सकते हैं सूत्र पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है विभव के संबंध में, V इज इक्वल टू होता है हमारा W अपॉन क्यू, या फिर इसको छोड़ करके आगे आप पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। और ये हमारी होती है E बराबर होता है V अपॉन R। तो ये थोड़ा आगे का प्रश्न आपके सामने आ गया है। V विभवांतर होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और बटे आर का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या निकल गया, ई का वोल्ट बटे मीटर। तो या तो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा, या क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अभी आपने पढ़ा ना हो, आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, वोल्ट प्रति मीटर, ये वाला ऑप्शन सही है। पहली चीज क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला देखें, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, आवेशों से उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र यदि विक्षेपित करेगा, किसी चीज को प्रभावित करेगा, तो वह चीज स्वयं में क्या होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। अब इसी आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपने इनमें से छांटना है। देखिए एक्स किरणें जो होती है ये होती है निरावेशित, इसमें आवेश नहीं होता, ये होती है आवेश रहित, आवेश रहित होती है, इसमें कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन पे यह भी आवेश रहित होता है। अल्फा कणों पे आपको पता होना चाहिए ये होता है धन आवेशित होती है, क्योंकि हमने पिछली जो साप्ताहिक टेस्ट था उसमें एक बात बताई थी कि हीलियम का, हीलियम हमारे पास कोई एक परमाणु है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसका जो नाभिक ही नाभिक बचता है उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। तो वो नाभिक में धनावेश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा कण धनावेशित होते हैं। चौथा हमारे पास आया गामा किरणें, और यह भी क्या होती है, आवेश रहित, आवेश रहित। तो अब आप देख रहे हैं कि
पहले दूसरे और चौथे में तो कोई आवेश नहीं है। किसमें आवेश है? केवल इस वाले में आवेश है, अल्फा कणों पर आवेश है। इसका मतलब ये जो अल्फा कण है यही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र केवल आवेशित कणों को ही विक्षेपित कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? वैद्युत क्षेत्र केवल आवेशित कणों को ही विक्षेपित कर सकता है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे। भविष्य में हो सकता है कि इन गामा कणों की जगह कोई दूसरा कण आ जाए, आपके पास बीटा कण आ जाए, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि वो बीटा कण किस प्रकार से होते हैं। वो ऋणावेशित होते हैं तो वह भी क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। तो थीम समझ में आनी चाहिए आपको, डेप्थ में जाकर के जो आंसर है उसका रीजन पता होना चाहिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपके आगे के बहुत सारे प्रश्न भी आपके यहां पर क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3 को। किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? क्या कह रहा है? किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर के मिलती हैं, हमने कोई एक आवेश निकाल दिया, सॉल्यूशन में देखें हमने कोई ये मान लेते हैं ये कोई एक आवेश है, इस पर वैद्युत बल रेखाएं आके मिल रही हैं, इस प्रकार से आकर के मिल रही हैं, यही है आकर के मिलने का अर्थ, इस प्रकार से आ गई। तो अब ये कौन सा आवेश होगा? आप जानते हैं ऋण आवेश पर बाहर से वैद्युत बल रेखाएं आकर के मिल जाती हैं इस बिंदु पर, तो इसके अंदर क्या होगा, ऋण आवेश होगा, यानी कि माइनस क्यू आवेश होगा यहां पर। तो कैसा आवेश होगा, लिख लेंगे यहां पर ऋण आवेश। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काफी आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। अगला देखें, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब उनके बीच कितना बल रहेगा? तो सबसे पहले आप समझिए, जब वायु में है, पहली स्थिति लेते हैं, जब आवेश वायु या निर्वात में हो, वायु / निर्वात में हो तो बल, तो लगने वाला बल क्या होगा, सूत्र होगा F इजिकल टू 1/4πε0, यह आ जाएगा Q1 Q2/r² इनके बीच की दूरी। दूसरी स्थिति इसने क्या कहा, यदि दोनों के बीच जल रख लिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हमें 80 दे दिया। सामान्य तो होता क्या है कि इस वाले फार्मूले में हमारे साथ एक और आता है, K और आता है। अब ध्यान रखना, वायु या निर्वात के लिए के का मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो इसमें यदि मान रखें तो F बराबर 1/4πε0, यहां आ जाएगा Q1 Q2/r², ये होगी समीकरण 1। तो हमने वायु और निर्वात के लिए इस सूत्र में के की जगह 1 रख लिया, लेकिन हमें दूसरे में क्या कह रहा है, यदि के का मान क्या हो, 80 हो, तो लिख लेते हैं सेकंड में, लिखते हैं जल के लिए k बराबर क्या है, 80। तो इस वाली समीकरण में 80 रख दें k की जगह, तो बल क्या आ जाएगा, नया बल आ जाएगा F' बराबर 1/4πε0 मल्टीप्लाई k का मान हो गया 80 गुणा Q1 Q2/r², इसके बराबर होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं, 1/80 को मैंने आगे लिख लिया, 1/80 गुणा, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, ये आ गया Q1 Q2/r². अब मेरी बात समझिएगा, ये जो पीछे का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है 1/4πε0 Q1 Q2/r, ये समीकरण एक से देखें ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो हमारे पास ये जो F' आया, F' बराबर हो जाएगा, ये 1/80 तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये पूरा पद किसके बराबर है, F के बराबर, तो अंश में क्या आ जाएगा, F। तो इसका अर्थ है जो नया बल होगा वो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 1/80 हो जाएगा, पहले जितना बल लग रहा था उसका कम होकर के 1/80 रह जाएगा। तो लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा नया बल
पहले की तुलना में, पहले की तुलना में 1/80 हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्लियर होगी यहां पर बात। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलिए। सेकंड पार्ट, यदि पीतल माध्यम हो, यदि माध्यम क्या है, पीतल है, तो लिखते हैं पीतल के लिए, पीतल के लिए, पीतल हो, लोहा हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, जो कि एक चालक है, कंडक्टर है, क्योंकि पीतल एक चालक है, पीतल के लिए या चालक के लिए, चालक के लिए। आपको पता होना चाहिए K का मान होता है इन्फिनिटी, K का मान अनंत हो जाता है। तो यदि इस वाले फार्मूले में, ये जो हमारा फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूले में K का मान मैं इन्फिनिटी रख दूं, क्या आ जाएगा, F डैश बराबर 1/4πε0, और साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन्फिनिटी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इन्फिनिटी का मान जब हर में होता है तो ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। इसका अर्थ है एफ डैश का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यदि दोनों आवेशों के बीच में पीतल या कॉपर या कोई भी एक चालक रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये है कॉन्सेप्चुअल। यदि आपको समझ में आ गया तो हमेशा याद रहेगा। तो मुझे लगता है आसान है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों, उसका रीजन क्या है। हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और कटान बिंदु पर दो बल रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी वैद्युत क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। ये वैद्युत बल रेखाओं की या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो गुण थे या विशेषताएं थी उस पर हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, वैद्युत बल रेखा के, बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। तो साथ में क्या लिखेंगे, यदि दो बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती हैं, काटती हैं, तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर वैद्युत, दो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, करेंगी जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, यही कह रहा है ना, वैद्युत बल रेखाएं नहीं काटती, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसकी दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक परिणामी दिशा हो सकती है। तो अब इसको समझते हैं, मैंने दो रेखाएं बना ली, एक रेखा इस तरीके से बना ली और एक और रेखा हम बना लेते हैं, चलिए एक ये वाली रेखा, ये वाली रेखा बना लेते हैं, चलिए एक ये रेखा बना ली। अब इस बिंदु पर दो, ये यहाँ पर कटान बिंदु, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि इस वाली दिशा में एक ये है, एक ऐसी है,
तो इस दिशा में खींचे स्पर्श रेखा तो ये इस प्रकार से जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी। जबकि इस दिशा में खींचे तो ये इस तरीके से एक रेखा जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये प्रदर्शित करेगी। तो इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, एक ये और एक ये वाली। यह संभव नहीं है, इसलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों? एक बात ध्यान देने की है कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई कण को रखा जाता है, किसी आवेशित कण को रखा जाता है, क्योंकि बल तो लगेगा तो आवेशित कण पर ही लगेगा, तो वह उस कण पर स्थित आवेश के आवेश का मान कितना है इस पर निर्भर करता है। हम जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी कण पर रखे वाला बल F इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। भैया आपने सूत्र सुना है ना, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्यू ई के बराबर होगा। अब दोनों पर समान आवेश है, हम जानते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा मतलब परिमाण समान होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻¹⁹ -19 कूलाम होता है। यदि आवेश की मात्रा समान है तो यह सूत्र कहता है कि दोनों पर लगने वाला बल भी समान होगा। तो लिखेंगे अतः दोनों पर बल समान लगेगा। बल तो समान लगेगा लेकिन बल की दिशा अलग अलग होगी, लेकिन बल की दिशा विपरीत होगी, बल की दिशा विपरीत होगी। क्यों होगी विपरीत? तो देखिए हम यहां पर समझते हैं, ये मैंने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रखी, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने बना दी, इस पर हमने यहां पर रख दिया एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक रख दिया प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा, ये इधर गति करेगा, जबकि प्रोटॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र है ई, तो इसका अर्थ है ये कहीं धन आवेश से शुरू हो रहा होगा और कहीं ऋण आवेश पर जाकर के खत्म हो रहा होगा, इसका अर्थ ये है। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेगा, जबकि प्रोटॉन पे धन आवेश है तो वो इस धन आवेश से प्रतिकर्षित होगा या ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगा, इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा। यहां बात क्लियर हो गई। तो हमें ये तो पता चल गया कि दोनों पर बल का परिमाण समान लगेगा क्योंकि दोनों पर आवेश का मान समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। पर हमारे पास प्रश्न ये है कि त्वरण किसका अधिक होगा? तो हम लिखते हैं यदि दोनों पर बल समान हो तो इलेक्ट्रॉन पर बल F हो जाएगा, ये Fe हो जाएगा और Fe का मान ma के बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण है ना, तो F बराबर ma के बराबर हो जाएगा। ये किसका द्रव्यमान होगा? इलेक्ट्रॉन का। और ऐसे लिखेंगे प्रोटॉन पर बल ये हो जाएगा Fp और यह बराबर किसके हो जाएगा? Mp, और साथ में आ जाएगा इसको भी E लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण और ये आ जाएगा प्रोटॉन पर त्वरण। तो अब यहीं से निकाल ले, Ae इलेक्ट्रॉन पर त्वरण F बटे Me के बराबर होगा, और यहां से निकालें Ap प्रोटॉन पर त्वरण F बराबर Mp के बराबर आ गया। इस वाले सूत्र से क्या खास बात हमें पता चल रही है? ये सीधा सूत्र एक बात बता रहा है, जो त्वरण है वो बल और द्रव्यमान इन दो चीजों पर निर्भर करता है।
अरे बल तो इन दोनों सूत्रों में समान है ना, इसमें भी एफ बल लग रहा है, इसमें भी बल समान लग रहा है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है, कणों के द्रव्यमान अलग है। तो यहां से हम देखें ए और एम में व्युत्क्रमानुपाति का संबंध है। इसका अर्थ है कि यदि द्रव्यमान का मान ज्यादा होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम, और यदि द्रव्यमान का मान कम होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। यह रिलेशन मेन बात है, आपके दिमाग में आना चाहिए। अब इसे यहां पर रखना है। हम जानते हैं चूंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है एम पी का मान बड़ा होता है किससे, एम एम ई से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, कम। तो किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों, तो लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है, और हम देख रहे हैं त्वरण में और द्रव्यमान में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो उसका त्वरण क्या होगा, ज्यादा, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका त्वरण क्या होगा, कम। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समझेंगे। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया है, अदरवाइज केवल एक काम कर सकते थे, इतनी लंबी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे लिखते ए बराबर होता है एफ अपॉन एम ई के, तो दोनों पे बल समान लगेगा, सीधे ये वाला रिलेशन लगा करके और सीधे मान निकाल सकते थे। पर आपको डिटेल में बताया जा रहा है क्योंकि अब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ट्वेल्थ की, तो आपको चीज़ें गहराई से समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये तो क्लियर आपका हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। चार बिंदु आवेश Q1 QB QA QB QC QD एक 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग के शीर्षों पर स्थित है, वर्ग के केंद्र पर एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए करते हैं, निकालते हैं सॉल्यूशन। हमने एक वर्ग की रचना यहां से कर लेते हैं, यह हमने क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया, यह हमने वर्ग ले लिया, इसके चार शीर्ष बन गए। ये वाला शीर्ष हमारा कौन सा हो गया, ए, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया सी, और ये वाला हो गया डी। तो इसका मान क्या आ गया, ये आ गया क्यू ए, इस पे आवेश रख दिया क्यू बी, इस पे आवेश रख दिया क्यू सी, और इस पर आवेश रख दिया हमने क्यू डी, ये चार आवेश रख दिए। अब आवेशों के मान कितने हैं, क्यू ए का मान है 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी का मान है -5 माइक्रो कूलम, क्यू सी का मान है 2 माइक्रो कूलम, और क्यू डी का मान है -5 माइक्रो कूलम, यह है -5 माइक्रो कूलम। अब इन्होंने क्या कहा, वर्ग के केंद्र पर, तो वर्ग का केंद्र निकाल लेते हैं। चलिए ये हमने यहां से शुरू करा, एक ये हो गया, और इसके विकर्णों को काट दिया जाए तो ये बन जाता है वर्ग का केंद्र। तो हमारे को ये वर्ग का इन्होंने केंद्र रख दिया, और इस वर्ग के केंद्र पर एक आवेश रख दिया 1 माइक्रो कूलम का। कितना आवेश रख दिया, यहां पर जो आवेश रखा है वो है 1 माइक्रो कूलम, और इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने सी, सेंटर मतलब सी। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ए और सी की तुलना कीजिए, हम देख रहे हैं ए से लेकर सी तक की जो दूरी है वो सी नहीं रख सकते, सी की जगह क्या रख देंगे, ओ रख देंगे, सी तो हमने अरे रखा, तो ए से ओ तक की जो दूरी है वो ओ से सी तक की दूरी के बराबर है। क्लियर है बात। अब इस 1 माइक्रो कूलम पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझ में आएंगे। देखिए ये वाला जो बल लगाएगा ये एफ ए बल होगा, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये वाली होगी, ये कौन सा बल होगा, एफ ए, ये एफ ए बल लगेगा, और एफ ए बल का मान कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो एफ ए बराबर के क्यू वन का मान 2 माइक्रो कूलम गुणा क्यू टू का मान 1 माइक्रो कूलम बटे दोनों के बीच की दूरी ए ओ, लिख लेंगे ए ओ का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगी। ऐसे ही सी का मान निकालिए, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 2 माइक्रो कूलम है, ये अब इस एफ सी की दिशा किधर की ओर होगी, देखिए ये भी धनावेश है ये भी धनावेश, तो ये इस दिशा में काम करेगा,
ये कौन सा बल है? एफ सी। तो इसका माना जाएगा के दो माइक्रो कूलाम मल्टीप्लाई एक माइक्रो कूलाम बटे ये आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। अब आप ये देखिए एफ ए और एफ सी के परिमाण तो आपस में बराबर है ना, हम लिखते हैं चूंकि ए ओ, ए ओ बराबर है ओ सी, अतः ये एफ ए का जो परिमाण है वो बराबर है किसके? एफ सी के परिमाण के। परिमाण का अर्थ होता है किसी सदिश का मात्रा, कितना है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये 5 क्या है? मात्रा है, परिमाण है। जितनी ऊपर का मान कैलकुलेट करके आएगा उतना ही नीचे का मान कैलकुलेट करके आएगा, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के बराबर है और दिशाएं विपरीत है। मेन बात क्या है? इनकी दिशाएं विपरीत है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये बिल्कुल वही है। बीच में टेबल रखी हुई है, आप भी अपनी तरफ 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हो, आपका दोस्त भी अपनी तरफ 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, टेबल किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, अपनी जगह पर रहेगी। तो लिखते हैं चूंकि ये इसके बराबर है तथा दिशा एफ ए तथा एफ सी की दिशा विपरीत है, विपरीत है, अतः परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा, शून्य होगा। तो एक चीज क्लियर होगी आपकी कि परिणामी बल इन दो के कारण जो बल लगेगा यहां पर परिणामी बल वो हो गया शून्य। अब इन दोनों की भी सेम यही तो बात है, आप देख रहे हो कि O से लेके B तक की दूरी बराबर है O से लेके D तक की दूरी के, और इन दोनों के भी यहां पर जो मान है -5 माइक्रोकूलम, यहां पर भी -5 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम वाला बल इस दिशा में लगेगा, इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में, इस पर लगेगा इस दिशा में। इसे भी मैं दर्शा देता हूं, चलिए इस पर बल लग रहा है, ये इस दिशा में लगेगा, देखिए ये कौन सा बल है? एफ बी। और इधर की ओर जो बल लगेगा ये लगेगा इस दिशा में लगेगा, ये बल क्या है? एफ डी। तो लिखते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार एफ सी का परिमाण और एफ डी का परिमाण आपस में बराबर है जबकि दिशाएं विपरीत हैं, जबकि दिशाएं विपरीत हैं, अतः ओ पर परिणामी बल, परिणामी बल शून्य होगा, शून्य होगा। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यदि गलती से यहां पर -5 माइक्रोकूलम है और यहां पर गलती से +5 माइक्रोकूलम होता, किसी दूसरे प्रश्न में आपको एक में धन दे दे एक में ऋण दे दे, तब 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि तब एक पर विद्युत बल यदि ये धन होता तो इस पर ये धन आवेश पर बल इस दिशा में लगता, और ये ऋण आवेश होता तो इस पर बल इस दिशा में लगता, तब दोनों बल जुड़ जाते आपस में। पर यहां पर दोनों बलों के परिमाण और मात्राएं जो हैं, निशान जो है वो समान है, इसलिए बीच वाले पर दोनों बराबर बल लगाएंगे क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां भी क्या है? समान है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आने जरूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट पोर्शन बताया वैसे ही आप सेकंड पोर्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, और तो कुछ पूछा नहीं है, वर्ग के केंद्र पर कितना बल लगेगा हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या कह रहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है? तो चलिए डायग्राम बना लें इसके लिए, हमने इस तरीके से यहां पर बनाया। आप जानते हैं ये हमने क्या कहा, 3 माइक्रोकूलम ये A बिंदु है, यहां पर QA है, QA का मान कितना है? +3 माइक्रोकूलम है। यहां पर दूसरा बिंदु है ये है QB है, इसका मान -3 माइक्रोकूलम है। अब क्या कर रहा है? एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं ये वाला आ गया, ये मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु क्या है? O। तो O का अर्थ है A से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, और यह भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये दोनों दोनों 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्या कर रहा है? ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? तो
इस क्यू ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र होगा, उसके लिए हम सीधे सूत्र जानते हैं। तो लिखते हैं, ए पार्ट को करेंगे सॉल्यूशन में, ए के कारण क्यू ए द्वारा ओ पर विद्युत क्षेत्र, जिसे हम ई ए से निरूपित करेंगे, ये होगा 1/4 pi epsilon naught क्यू ए बटे कितना आ जाएगा, ओ से लेके ए तक की दूरी यानी कि ए ओ का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। एक चीज और रखेंगे, इस 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो हम लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, आर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 × 10⁻²⁪ मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, ये तो बटे 100 हो गया, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर के बराबर होगा। आर का मान 0.1 मीटर है, तो वैल्यू रख लेंगे। अब आर लिखें या ए ओ लिखें, कुल मिलाकर के बाद 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया, ध्यान रखना। ये चीज आर लिखें चाहे ओ ए लिखें चाहे ओ बी लिखें, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर मैंने ले लिया आर 0.1। अब वैल्यू पुट कीजिए, ई ए बराबर 1/4 epsilon naught क्या आ जाएगा, सीधे इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ गुणा क्यू ए का मान कितना आ गया, 3 μC, 3×10⁻⁶ बटे ए ओ का मान कितना आ गया, 0.1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 9×18 = 27 × 10⁻⁹ में से 6 गया 10⁻³ हो गया 3 बटे नीचे कितना आ गया, 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो दशमलव हटाया ऊपर की ओर कितना लग देंगे, 100 लिख देंगे, तो कितना आ गया 27×10⁵ और क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ये ई ए के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया किस पर, ओ बिंदु पर। अब ऐसी ई बी के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे लिखेंगे, क्यू बी द्वारा ओ पर विद्युत क्षेत्र, तो सूत्र तो आप जानते ही हो, यही वाला सूत्र होगा, ई बी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बी बटे कितना आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। देखिए ये सूत्र मैंने आपको करा रखा है, इसको ड्राइव भी करा रखा है, तो अब इसको निकालें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ई बी इज इक्वल टू 9×10⁹ ई बी का मान है −3 μC, तो परिमाण तो इतना ही है, −3×10⁻⁶ कूलाम बटे ओ बी का मान कितना आ गया, ओ बी का मान, ओ एयर ओ बी का मान 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 9×27×10⁻³ वही आ जाएगा, पहले 9 में से 6 गया 10⁻³ कितना आ गया 3 बटे नीचे आ गया 0.01, दशमलव हटाया गुणा 100 कर दिया, तो बराबर आ गया 27×10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इंपॉर्टेंट बात देखिए, कैसे निकालेंगे, आपको ई ए और ई बी की दिशा पता होनी बहुत जरूरी है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्यू ए है, अब ओ बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो कि उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखने पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को होती है। तो अब यहां परीक्षण आवेश का कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा, आपने क्या करना है, ओ पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी है प्लस क्यू नॉट, दिमाग में रखना है कि ओ पर प्लस क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है, तो यदि धनात्मक है तो ये वाला क्यू ए उसको इस दिशा में धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी, ये किसकी होगी, ई ए की दिशा ये वाली होगी, इस क्यू ए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, क्लियर होगी बात, तो दिशा हम क्या लिख सकते हैं, ए से ओ की ओर, इसकी दिशा क्या आ जाएगी, ए से ओ की ओर, पहला हो गया। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, इसमें कलर ले लेते हैं ये, चलिए अब दूसरे को समझिए, क्यूबी, क्यूबी पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, फिर से ओ पर कल्पना कीजिए परीक्षण आवेश की, परीक्षण आवेश है धनावेश, तो जो धनावेश है उस पर ये वाला माइनस 3 कूलाम का आवेश उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा यही होगी, जिधर बल लग रहा है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसका मतलब है ये जो ई बी है ये इस दिशा में ही काम करेगा,
ईबी की दिशा भी यही होगी, तो ईबी की दिशा क्या आ जाएगी, इसकी दिशा लिख लेंगे ओ से बी की ओर, ओ से बी की ओर, तो दोनों की दिशाएं समान है ना, तो लिखेंगे अतः अतः ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, तो वैल्यू दोनों के समान है, 27 गुणा 10 की घात 5, 27 गुणा 10 की घात 5, तो लिख लेंगे 27 गुणा 10 की घात 5 प्लस 27 गुणा 10 की घात 5, 27 गुणा 10 की घात 5, तो टोटल कितना हो गया 27 दूनी 54 गुणा 10 की घात 5, और यह हमारा किसका मान आ गया, वैद्युत क्षेत्र आ गया, ई पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यह आ गया, और इसकी दिशा क्या होगी, लिखेंगे दिशा ओ से किधर की ओर, बी की ओर, बी की ओर, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा कर लिया है, आसान है, कठिन नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड बात पे चलिए, सेकंड है कि यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, इस बिंदु मतलब ओ पर, कितना आवेश रख दिया हमने, इतना आवेश रख दिया, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब आपको बल निकालने के दो तरीके हैं, पहला तो इस आवेश के कारण ओ पर इस आवेश पर लगने वाला बल निकालिए, सूत्र है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/r2, और ऐसे ही इस बी द्वारा ओ पर कितना बल लगेगा उसके लिए भी इसी सूत्र का उपयोग करके बल निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए, एक तो ये तरीका। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हमारे लिए आसान है निकालना, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, तो बस हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो कितना है क्यू का मान, 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम, तो लिखते हैं यदि ये हमारा बी पार्ट है, यदि ओ पर 1.5 गुणा 10 की घात, देखें कितना है, 10 की घात माइनस 9 कूलाम आवेश रखा हो तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, QE, तो Q का मान हमें दे दिया, Q बराबर कितना, 1.5 गुणा 10 की घात -9 ये कूलाम में, और ई का मान हमें अभी हमने निकाला 54 गुणा 10 की घात माइनस कितना था, मुझे लगता है 10 की घात 5 था, प्लस में 10 की घात ये आ जाएगा 5, 10 की 5, और यह था न्यूटन पर कूलाम, ये था। तो अब ये दोनों मान यहाँ पर रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू का मान 1.5 गुणा 10 की घात -9 गुणा ई का मान 54 गुणा 10 की घात 5, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, 15 3 45 15 6 60 का 0 हासिल 6, 15 5 75 और 6 कितना हो गया 81, ये हो गया 81, डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, एक के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 10 की घात -9 10 की घात 5, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, तो हमारे पास बल का मान कितना आ गया, आ गया 81 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन। तो यदि वहाँ पर इतना आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश का मान इतना होगा। तो प्यारे बच्चों काफ़ी आसान है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपके कोई डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों को स्टार्टिंग के प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न थे, बड़े आसान कॉन्सेप्चुअल बेस थे, लेकिन लास्ट में आते आते आपको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो मुझे लगता है इतने ही प्रश्न थे, इसके बाद प्रश्नों की आवश्यकता नहीं थी, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चे यदि इसी तरीके से आप तैयारी करते रहे तो बोर्ड परीक्षा में आपके 95 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, आप न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कर रहे हो, तो बताइए क्वेश्चन पेपर में इससे बाहर क्या चीज़ें आएंगी। तो मेहनत कीजिए हमारे साथ, डेली क्लास अटेंड कीजिए, और साथ में हर सैटरडे को जो हमारी साप्ताहिक परीक्षा होती है उसको दीजिए, फिर देखिए आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।